राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मौके संसद मैंबर ते कंगना रनौत की एक सोशल मीडिया पोस्ट नूं लैके विवाद खड़ा हो गया। कंगना दे इस पोस्ट नूं महात्मा गांधी दे अपमान वजों देखा जा रहा है। दरअसल कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते एक पोस्ट शेयर की है जिस चुना लिखा है, देश दे पिता नहीं देश दे तां लाल हुंदे ने, तन हन भारत माता दे लाल। इस दे हेठा कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई है, जिस तों बाद विवाद खड़ा हो गया। दस दईए कि भाजपा लीडर हरजीत गरेवाल ने भी कंगना ते सवाल चुके ने, की कुछ कहा उन्होंने तुसीं भी सुनो। कंगना रनौत ने जो कि मंडी से मेंबर पार्लियामेंट है और फिल्म स्टार भी है, उसने एक स्टेटमेंट दी है महात्मा गांधी जी के विषय में जो बहुत शर्मसार करने वाली है। उन्होंने महात्मा गांधी को तो पसंद नहीं किया मगर लाल बहादुर शास्त्री जी को किया। लाल बहादुर शास्त्री जी, उसको जानकारी होनी चाहिए, सबसे बड़े गांधीयन थे, गांधी जी के पैरोकार थे। और अगर शिष्य का सत्कार कर रहे हो, उसके जो मार्गदर्शक हैं उसका अपमान कर रहे हो, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। और महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिया देश को और दुनिया को अहिंसा का, और अगर संघर्ष जो था वो हथियारबंद हो जाता तो हमारे लाखों लोगों की शहादत हो जाती आज़ादी के संघर्ष में। बहुत कम शहादतें हुई हैं, जैसे शहीद आजम भगत सिंह हुए, ऊधम सिंह जी हुए, और करतार सिंह सराभा हुए, कामा घाटा मारू वाले बाबा गुरदित सिंह और बाकी लोग हुए। ये सब इन्होंने संघर्ष किया, सबने किया मिलके, ऐसा नहीं है। मगर महात्मा गांधी का रास्ता ही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था, और लोग उस समय हाथों में तिरंगा लेके, कंगना को पता होना चाहिए, ये नारे लगाते थे, साबरमती के संत ने कर दिया कुमार रे, कर दिया कुमार, महात्मा गांधी की प्रशंसा में जिनकी अगुवाई में आज़ादी मिली। और मैं ये समझता हूँ कि कंगना का जो विचार है वो नथुराम गोडसे का विचार है, और उसको हम जो है, मैं समझता हूँ ये मंडी के लोगों की बहुत बड़ी गलती हो गई कि पहले इसको भगवान सदबुद्धि दे और फिर ये इस तरह की भाषा बोले, क्योंकि हमें तो, मैं इससे ज़्यादा इसके विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने हमें एक ही रास्ता दिखाया कि सो क्यों मंदा आखिए जब जमे राजा। इसको अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए और महापुरुषों के विषय में सुधार करना चाहिए। अब ये कहती है पिता हो ही नहीं सकते, तो जितने सिख हैं वो गुरु गोविंद सिंह को अपना पिता मानते हैं, कंगना को ये भी मालूम होना चाहिए। और इसलिए ऐसी भाषा देश की संस्कृति को, देश के इतिहास को जाने बिना ना बोले, और इसमें इसको ही आगे नुकसान होने वाला है। मैं इसको हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये भाषा ना।